नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार हो गया। पितामह भीष्म ने कल ये रहस्योद्घाटन किया कि मैं दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़ा हुआ। यदि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध नहीं करता तो युद्ध के समय आपके दर्शन नहीं होते। मैंने युद्ध भी किया और आपके दर्शन किए। आपके पक्ष में रहता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? दर्शन तो सामने से होते हैं। इसको आप जानते हो, एक मैं जानता हूं। इस प्रकार से भीष्म जी ने अपना रहस्य का स्वरूप बताया। भीष्म जी का जब अंतिम संस्कार हो गया तो युधिष्ठिर महाराज मूर्छित हो गए शोक के अंदर। तब भगवान ने आकर युधिष्ठिर को समझाना चालू किया, राजन यदि मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक होता है तो उस परलोकवासी पिता पितामह आदि के लिए बहुत कष्ट की बात होती है। संसार के लोग मरने की बात से रोते हैं तो ये विधान का बहुत बड़ा अनादर होता है। आपको चाहिए कि पितामह के पीछे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करें, देवताओं को और पितरों को तृप्त करें, अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करें, अकिंचन मनुष्यों को इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट करें। हे युधिष्ठिर महाराज, आपने तो जानने योग्य तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूरा किया है। भीष्म व्यास नारद और विदुर के मुख से कितना बड़ा धर्म का श्रवण किया है, फिर भी आपके चेहरे पर शोक छा रहा है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा कि धर्म स्वरूप युधिष्ठिर जी ने इतना बड़ा ज्ञान लिया फिर भी वे शोक करते रहे? साधारण आदमी की क्या दशा होगी? उठिए और जो होनहार था उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो हो चुका है वो हो ही चुका है, जो मर चुके हैं वो वापस कभी आने वाले नहीं है। सावधान होइए, आगे का काम कीजिए। भगवान ये कहकर चुप हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे गोविंद, आपका मेरे पर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप स्नेह और प्रेम के कारण मुझ पर कृपा करते रहते हैं, यह मुझसे छिपा हुआ नहीं है। हे गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवा कर शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब जिस उपाय से मुझे क्रूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले एवं जिस काम के करने से मेरा चित्त पवित्र हो, आप मुझे उसी काम के लिए आदेश दीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास जी ने कहा, तात,
तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, तुम बालकों के भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार बार समझाना एक व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध कर रहे हो। अब हम तुमको कैसे समझाएं? तुमने हमको किस लायक रख दिया? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म के बारे में तुम भली भांति जानते हो। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता वह तुमसे छिपा नहीं है। कितना अच्छा भीष्म पितामह, ऐसे तुमने मोक्ष धर्म का श्रवण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हें संदेहों का निवारण करके अच्छी बातें बताई हैं। राजधर्म दान धर्म सब सुन चुके हो। इन सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर के भी यदि अज्ञान वैसा का वैसा रहा, मोह वैसा का वैसा रहा, तो फिर शास्त्र श्रवण का लाभ क्या हुआ? युधिष्ठिर, मुझे तो जान पड़ता है तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ऊपर लेते हो। अच्छा, यदि अंततो गत्वा अपने ऊपर ही पाप रूपी कर्म की जड़ मानते हो तो ये उपाय भी सुनो जिससे पाप का नाश हो जाए। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि भी होती है। यज्ञों से देवताओं का महात्म्य अधिक होता है। क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानवों को परास्त किया है। दशरथ नंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, दशरथ नंदन भगवान राम ने क्या पाप समझ करके यज्ञानुष्ठान किया था? युधिष्ठिर के पूछने पर व्यास जी ने कहा कि देखो, लोक संग्रह के लिए भगवान बड़े आदर्श की लीला करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय वंश में अवतार लिए और ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले रावण और कुंभकर्ण आदि का वध किया, तो दुनिया के सामने उन्होंने आदर्श रखा कि ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। यद्यपि भगवान पर कोई कर्म लागू नहीं होता है, परंतु लोक संग्रह ने उनको इस काम में प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र करता है, किंतु मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उसे आप गहराई से सुनिए। अपने जाति भाइयों का ये महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा देने के लिए धन भी तो नहीं है, और इस समय थोड़े से धन से बहुत बड़ा यज्ञ हो नहीं सकता है। यहां जो राजकुमार उपस्थित है वे सभी संकट में पड़े हुए हैं, इनके शरीर पर खूब घाव है, ये घाव अभी सूखे ही नहीं है, युद्ध के अंदर इनका बहुत सा द्रव्य लग गया है, दूसरे से धन की याचना हम लोग कर नहीं सकते हैं, सारी पृथ्वी का नाश कराकर यूं ही मैं शोक में डूबा हुआ हूं, अब इन विचारों से किस तरह कर वसूल करूं? दुर्योधन के अपराध से पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे पर ही अपयश का टीका लग गया। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खुद का खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए,
यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा कुछ भी किया जाता है तो वो विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, और प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं है भाई, ये तो देना चाहिए हम नहीं दे सके, इसकी जगह हम ये दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे मन में जस्ती नहीं है। व्यास जी ने कहा, धर्मराज मैं मानता हूं तुम्हारा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो बहुत जल्दी भर जाएगा। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुत्त ने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों को सुवर्ण दान दिया। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उठा नहीं सके दान को, फिर ब्राह्मण भी वहीं छोड़कर चले गए। वो सारा धन आज हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है। तुम्हारे भाई बड़े शूरवीर है, तुम उसे मंगवा लो और वो तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त तो होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये आपने नई बात छेड़ दी। महाराज मरुत्त ने कब यज्ञ किया था, उनके यज्ञ में धन का संग्रह किस प्रकार हुआ था? व्यास जी ने कहा, सुनो बेटा, सतयुग में राजदंड धारण करने वाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा हुए, उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि हुए, प्रसंधि के क्षुप और क्षुप के महाराज इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के सुपुत्र हुए, उन्होंने सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बना दिया। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विंश, जो वीरों का आदर्श था। विंश के पुत्र का नाम था विविंश, उसके 15 बेटा थे, सबके सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्म परायण, शांत, सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे। इनमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम खनी नेत्र था। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था, पराक्रमी तो था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, लेकिन राज्य की रक्षा में वो समर्थ नहीं था, प्रजा संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए सब ने मिलकर उसको राज सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा को राज्याभिषेक करके बैठा दिया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बड़ी संतुष्ट हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे कि कहीं मेरे को भी न हटा दे, इसलिए प्रजा का हित करते थे, तत्परता से राज्य का संचालन करते, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते, मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते। उन मनस्वी राजा पर प्रजा के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ ही दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उसके वाहन नष्ट हो गए। उनकी यह दुर्बलता दूसरे राजाओं से छिपी नहीं थी, वे चारों ओर से धावा करके उसके वो कष्ट देने लगे। इससे अपने सेवकों और पूर्ववासियों सहित बड़े कष्ट में पड़ गए। सुवर्चा, यद्यपि उनकी सेना का संहार हो गया तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार नहीं सके, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह में लगाकर शंख के भांति बजाया, इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रुओं को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम करंधम हो गया। त्रेतायुग के आरंभ में इस करंधम के अभिक्षित नाम का पुत्र हुआ।
उसके शरीर की शोभा इंद्र से कम नहीं थी, उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी राजा लोग उसके अधीन थे, बड़ा सदाचारी था, बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वो इंद्र की बराबरी करता था, उसका मन धर्म में लगा हुआ था, सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान, जितेंद्री, सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमालय के समान स्थिर बुद्धि वाला, अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला था। विधि पूर्वक उसने 100 बार अश्वमेध यज्ञ किया और साक्षात अंगिरा मुनि ने उनके यज्ञ करवाए। उसी राजा अविवीक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए थे। वे अपने गुणों में पिता से भी बढ़कर थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान, यशस्वी और चक्रवर्ती राजा थे। उन्हें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के 1,000 बर्तन बनवाए। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरु पर्वत के पास एक महान सुवर्णमय पर्वत है, उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनाई और वहीं यज्ञ का शुभारंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनारों को बुलाकर उस स्वर्णमय पर्वत से सोना ले लेकर वहां पर कुंड बनाकर सोनों को पिघलाकर सोने की थालियां, सोने के आसन, सोने के चौके, कितनी कितनी चीजें बनाई, जहां सोने का पहाड़ हो सोने की क्या कमी। सब सामग्री तैयार हो जाने पर राजा मरुत ने राजाओं को विधि पूर्वक यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, राजा मरुत को सोने का पर्वत मिल गया, वो इस समय कहाँ है? हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा कि राजन, महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हैं, एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त। संवर्त और बृहस्पति दोनों भाई भाई हैं, दोनों बराबर उत्साह वाले, किंतु क्या करें, कहते हुए कुछ संकोच भी होता है। दोनों की आपस में लाग डांट थी। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़कर घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर की अपेक्षा उन्हें वनवास में बहुत सुख मिला। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के बड़े पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंधम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी, पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया। कहते हैं वे इस मानव शरीर के साथ स्वर्गलोक में चले जाते थे। उनके पुत्र अविक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो ययाति के समान थे, पिता के समान। उनके पुत्र ये मरुत हुए, इनका पराक्रम कम नहीं था। महाराज मरुत और देवराज इंद्र दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते रहते थे। मरुत बड़े पवित्र गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनका बढ़ चढ़ करके आगे निकलने का प्रयत्न करता था, किंतु इंद्र को कभी सफलता नहीं मिली। जब किसी तरह से वे मरुत से बढ़ नहीं सके तो बृहस्पति को बुलाकर
देवताओं के सामने उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो राजा मरुत का यज्ञ मत करवाना, और यहां श्राद्ध का काम पड़े तो मत करवाना। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूं, मरुत तो केवल पृथ्वी का राजा है। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाओ, और या फिर मुझे छोड़ दो, आप मरुत को बनाओ। इंद्र के कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, अरे देवराज इंद्र, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो, तुम्हारे आधार पर समस्त लोग टिके हुए हैं। तुमने नमुचि, विश्वरूप और बल नामक दैत्यों का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर पुरुष हो। तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम्हें सदा पालन करने का अधिकार है। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुत का पुरोहित कैसे हो सकता हूं? तुम धैर्य रखो, अब मैं किसी मनुष्य के यज्ञ में शुभा नहीं ग्रहण करूंगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी चाहे उलट जाए, सूर्य प्रकाश करना बंद कर दे, किंतु मेरी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती है। इंद्र बड़ा खुश हो गया, अपने महल में चला गया। राजा मरुत ने जब सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, और मनी मनुष्य यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति के पास गए और विनीत भाव से बोले कि भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, अब उस यज्ञ की सब सामग्री तैयार कर चुका हूं। मैं उस यज्ञ को आरंभ करना चाहता हूं। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान हूं, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ कराओ। बृहस्पति ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है, और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। मरुत ने कहा, हे विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूं, तथा आपका विशेष सम्मान करता हूं। आपके चरणों में मेरी भक्ति है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मरुत ने कहा, बृहस्पति जी ने कहा कि मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरने वाले मनुष्यों का यज्ञ कैसे करा सकता हूं? अच्छा नहीं लगेगा। तुम किसी और को पुरोहित बना लो, जो तुम्हारा यज्ञ पूरा करा देगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति जी से ऐसा कोरा उत्तर सुनकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे खिन्न होकर वहां से लौट गए। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। उनके पास जाकर राजा मरुत ने न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा कि महाराज, मुझे बृहस्पति जी ने ठुकरा दिया है। नारद जी ने पूछा, राजन, तुम बड़े दुखी हो रहे हो, क्यों, क्या बात है, किस कारण से तुम्हारे चेहरे पर उदासी है? नारद जी के पूछने पर मरुत ने कहा, महाराज, मैं अंगिरा के पुत्र देव गुरु बृहस्पति के पास गया था, उन्होंने यज्ञ करने के लिए मना कर दिया, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। वे मेरे गुरु थे, किंतु कह दिया कि मरण धर्मा मनुष्य का मैं यज्ञ नहीं कराऊंगा, तो अब मैं भी जी करके क्या करूं? जब मरण धर्मा मुझे कह दिया तो मैं भी अब मरना चाहता हूं। राजा मरुत के ऐसा कहने पर नारद जी ने सोचा कि इतना पवित्र काम करने वाला धर्मात्मा राजा मर जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राजन, कोई बात नहीं,
बृहस्पति जी यज्ञ नहीं कराते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी प्रतिज्ञा है। तुम बृहस्पति का एक छोटा भाई है, उसका नाम संवर्त है, वे दिगंबर होकर दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें यजमान बनाना नहीं चाहते हैं तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ, बड़े तेजस्वी हैं, वो बृहस्पति से कम नहीं है, तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपके वचनों से तो मैं मरा हुआ जी गया, अब ये बताओ कि वो संवर्त मुनि का दर्शन कहां करूं और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कि वो अकेला जंगल में रहने वाला हो, किस समय वो नाराज हो जाए, किस समय में वो किस वृत्ति में रहे, क्या पता चले। नारद जी ने कहा कि वे इस समय काशी के अंदर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने की इच्छा से पागलों का वेश धारण किए हुए अपनी मौत से घूम रहे हैं, तुम काशी जाओ और विश्वनाथ भगवान के पुरी के प्रवेश द्वार पर तुम पहुंच जाओ, वहीं कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना, प्रातःकाल मुर्दा लाकर रख देना दरवाजे पर, प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े उसे संवर्त समझना, और वे जहां जाएं उनके पीछे पीछे जाना, जब वे एकांत स्थान में पहुंच जाएं तो हाथ जोड़ना, शरणापन्न होना, और वो यदि कहे कि इस एकांत स्थान का किसी को भी पता नहीं, तुमको किसने बताया, तो तुम झूठ मत बोलना, तुम साफ कह देना नारद ने बताया है, आप महात्मा संवर्त हैं। जब वो प्रसन्न हो जाए तो अपनी सारी इच्छा व्यक्त कर देना। राजा मरुत बड़े प्रसन्न हो गए, नारद जी की आज्ञा के अनुसार पूजा वगैरह की सामग्री लेकर बनारस चल दिए। वहां जाकर नारद जी का कथन याद आया, उन्होंने काशीपुरी के दरवाजे पर एक मुर्दा लाकर रख दिया और खुद एक जगह दूसरी जगह बैठ गए। इसी समय संवर्त आए, किंतु मुर्दे को देखा, अब मुर्दे को लांग के जाए तो भी अच्छा नहीं, मुर्दे का स्पर्श करना भी अच्छा नहीं, दरवाजे पर ही लंबा मुर्दा देखा, वापिस लौट गए। तो मरुत भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और वो पीछे हाथ जोड़े चल रहे थे। जब एकांत में राजा को अपने पीछे पीछे आते देखा और राजा यूं हाथ जोड़े हुए है, संवर्त मुनि एक बहुत बड़ी शाखाओं से युक्त वटवृक्ष के घने जंगल में एक सघन वृक्ष की शीतल छाया के नीचे जाकर बैठ गए और वही प्रश्न किया, कौन हो? मैं मरुत नाम का राजा हूं, तुमने मुझे कैसे पहचाना, किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया, बताओ, यदि सच बताओगे तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाएगी और यदि झूठ बोलोगे तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, महाराज मैं झूठ क्यों बोलूं, संतों के पास में आकर मुझे तो नारद जी ने बताया, आपका परिचय दिया, आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, आपके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ तुम ठीक कहते हो, नारद को मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूं, मैंने छोड़ तो दिया, परंतु नारद जी को पता है मेरा स्वभाव तो अपने मौत से काम करने का है, किसी के अधीन नहीं करने का। अच्छा बताओ तुम मुझसे यज्ञ क्यों कराना चाहते हो?
मेरे बड़े भाई बृहस्पति सब यज्ञों को कराने में समर्थ है, वे आजकल इंद्र के साथ रहते हैं, उनके यज्ञ कराए प्राय सफल होते हैं, तो मेरे बड़े भाई के पास जाओ, घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा गृह देवताओं के पूजन आदि कर्म जो सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है उन्हीं के पास है, मेरे पास तो केवल मेरा शरीर ही है, यज्ञ करने के पात्र वगैरह तो मेरे पास है नहीं। मरुत ने कहा, हे ऋषिवर, मैं पहले बृहस्पति जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि मैंने इंद्र को अपना यजमान बना लिया है, मैं अमरों का यजमान होकर मरने वाले मनुष्यों का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ में इंद्र ने भी मना कर दिया कि तुम मरुत का यज्ञ मत कराओ। इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया। अब मेरी इच्छा है मैं सर्वस्व देकर के भी आप ही से यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी पीछे छोड़ दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिना अपराध के मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। संवर्त ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो, तुम्हारा यज्ञ मैं पूरा कराऊंगा। तो इंद्र और बृहस्पति दोनों कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे, उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम अंत तक मेरा साथ दोगे, अतः जैसे भी हो मेरे मन का संदेह दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधुओं सहित तुम्हें भस्म कर डालूंगा। ये एकांत में रहने वाले ऋषि एक अलग ही मूड में थे। मरुत ने कहा, महाराज, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति न हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि प्राप्त न कर सकूं। समर्थ ने कहा, बहुत अच्छा राजन, तुम्हारी बुद्धि सदा शुभ कर्म में लगी रहे, अब मेरी बात सुनो, मेरे मन में तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है, अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकते हो। ये बात मैं तुम्हें सत्य सत्य बोलता हूं, मुझको अपने धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है, मैं तो तुम्हारा प्रिय कार्य करना चाहता हूं। नारद जी ने तुम्हें मेरे यहां भेजा, इसलिए नारद का भी प्रिय कार्य करना चाहता हूं और तुम इंद्र के बराबर बैठोगे। समर्थ ने कहा कि राजन, हिमालय के पृष्ठ भाग में मृंजवान नामक एक पर्वत है जहां भगवान शंकर तपस्या करते हैं। उस पर्वत पर रुद्रगण, साध्य, विश्वदेव, वसु, यमराज, वरुण, अनुचरों सहित कुबेर, भूत, पिशाच, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, देवर्षि, आदित्य, मरुत और यातुधान आदि सब ओर से घेरकर उमापति महादेव की उपासना करते हैं। उनका श्री विग्रह तेज से ज्वाजल्यमान रहता है, कोई भी प्राणी अपने चर्म चक्षुओं से उन्हें देख नहीं सकता है। न वहां अधिक गर्मी है, न अधिक ठंड है, न वायु का प्रकोप है, न सूर्य के प्रचंड ताप का प्रकोप है। उस पर्वत के ऊपर किसी को भूख प्यास नहीं लगती, बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, दूसरा कोई भी भय नहीं रहता। उस पर्वत के चारों ओर सूर्य के किरणों के समान चमकते हुए सोने के अनेक शिखर हैं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कुबेर के अनुचर अपने स्वामी का प्रिय कार्य करने के लिए
उन सुवर्ण शिखरों की सदा रक्षा करते हैं। वहां जाने के बाद तुम पहले जगत विधाता भगवान शंकर को नमस्कार करके और फिर भगवान शंकर की स्तुति करना कि हे रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है कि दुख को दूर करने वाले। हे शितिकंठ, गले में नील जहर का चिन्ह। हे पुरुष, हे सुवरचा, सुवरचा माने जिनकी कांति बड़ी तेज है। हे स्थाणु, हे स्थिर। हे बिल्वदंड, बिल का दंड धारण करने वाले। हे हिरण्यबाहु, हे शितिकंठ, हे अजन्मा शरणागत वत्सल महादेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम मानो। राजन वे महान देवता, महावेगवान, महामनाए, उनके चरणों में मस्तक झुकाने से तुम्हें सोने की प्राप्ति होगी। स्वर्ण लाने के लिए तुम्हारे सेवकों को वहीं जाना चाहिए। मरुत ने वैसा ही किया। यज्ञ का सारा संभार अलौकिक रूप से देखा। उन्होंने उनके कारीगरों ने वहां रहकर सोने के बहुत से पात्र तैयार किए। उधर बृहस्पति जी ने सुना कि राजा मरुत को देवताओं से भी बढ़कर संपत्ति प्राप्त हो गई और उनके पास सोने का अपार विशाल पर्वत का पर्वत मिल गया और उन्होंने बड़ा विशाल सोने का एक तालाब जैसा बनाया जिसमें सब सोने को गाल रहे हैं और ये बर्तन बना रहे हैं, यज्ञ की सामग्री बना रहे हैं। चिंता में पड़ गए, पीले पड़ गए, ये क्या हो गया? अब तो मेरा यज्ञ कोई नहीं पूछेगा, अब तो संवर्त का यज्ञ सब देखेंगे। संवर्त का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, संवर्त बड़ा पैसे वाला हो जाएगा। बृहस्पति के रात दिन ही चिंता लगी रही। देवराज इंद्र को पता चला कि बृहस्पति जी अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, तो वे जाकर के पूछने लगे कि महाराज आपको कोई मानसिक या शारीरिक दुख है क्या? आप उदास और एकदम पीले पड़ गए, क्या बात है? मैं आपको दुख देने वाले का नाश कर दूंगा। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र कहते हैं महाराज मरुत उत्तम दक्षिणाओं से युक्त एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई संवर्त आचार्य होकर वहां यज्ञ कराएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि संवर्त के आचार्यत्व में उस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। इंद्र ने कहा, गुरुदेव संवर्त मनुष्यों का यज्ञ कराते, कराने दीजिए, आप देवताओं के पुरोहित हैं, जरा और मृत्यु दोनों को जीते हुए फिर संवर्त के साथ आप इतना क्यों डर रखते हैं? बृहस्पति ने कहा, देवराज ये अंदर की एक जलन बहुत बुरी होती है और इस संसार में वो हृदय बड़ा घटिया दर्जे का है जो दूसरों की समृद्धि के कारण से जलता रहता है। ये संवर्त मेरा भाई होकर शत्रु भी है, इतने सोने के पात्रों से यज्ञ कराएगा, इसको बहुत सोना मिल जाएगा, संवर्त के पास सोने ही सोने हो जाएंगे, इसलिए उदास हूं। दूसरे का सुख ही मेरे दुख का कारण है, कोई न कोई उपाय करो, संवर्त और राजा मरुत को कैद कर लो और इनका यज्ञ मत होने दो। इंद्र ने कहा, महाराज आप हमारे गुरु होकर ये तो छोटी गंदी बातें रखते हैं। इंद्र तुम अपने गुरु के सामने इतनी बात बोलते हो, उपदेश देते हो, जानते नहीं? मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूं। अच्छा महाराज, गलती हो गई। इंद्र ने अग्नि से कहा, अग्निदेव जाओ, राजा मरुत के पास भेजता हूं,
उनकी सम्मति लेकर बृहस्पति जी को उनके पास पहुंचा दो। वहां जाकर राजा से कहना कि संवर्त को हटाओ और बृहस्पति से यज्ञ कराओ। देवता लोग आपको देवताओं की श्रेणी में ले लेंगे, आप भी अमर हो जाओगे। अग्निदेव ने कहा मघवन, मघवन माने इंद्र, मैं बृहस्पति जी को मरुत के पास पहुंचाने के लिए आपका दूत तो बन जाऊंगा, परंतु ये कार्य अच्छे नहीं है। यह कहकर इंद्र की आज्ञा से अग्निदेव बृहस्पति जी को लेकर वहां से चल दिए। उन्हें जाते आते देख मरुत ने संवर्त से कहा, मुने ये क्या बात है, साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं, आज हमें इनका दर्शन मिल रहा है, आप उनके स्वागत के लिए सामग्री तैयार करो, गाय वगैरह सब प्रस्तुत करो। अग्नि ने कहा राजन, मैं आपके दिए हुए अर्घ्य आसन को प्राप्त कर चुका, धन्यवाद देता हूं, मैं इस समय इंद्र का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा महाराज, इंद्र सुखी तो है ना, वे मेरे पर कृपा तो रखते हैं ना, हम तो सब उनके अधीन है, बताइए क्या आज्ञा है। अग्निदेव ने कहा महाराज, देवराज इंद्र बड़े सुखी हैं, आपके साथ अखंड मैत्री चाहते हैं, संपूर्ण देवता भी उनके अधीन, अतः उन्होंने जिस काम के लिए मुझे आपके पास भेजा है उसको सावधानी से सुनो। वे मेरे द्वारा बृहस्पति को आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति जी आपके कुल के गुरु हैं, आप उन्हीं से यज्ञ कराओगे, आप मरण धर्मा मनुष्य हो, वे आपको अमर बना देंगे और समर्थ को आप अपना पुरोहित मानने से मना कर दो। मरुत ने कहा महाराज, मेरा यज्ञ कराने के लिए विप्रवर समर्थ जी को बड़े कठिनाई से यहां मैंने उपस्थित किया है, बृहस्पति जी के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूं, वे देवराज इंद्र के पुरोहित हैं, मेरे जैसे मनुष्य का यज्ञ कराना उन्होंने शोभा नहीं देता है, आज उन्होंने कैसे आपके पास प्रस्ताव भेज दिया। अग्निदेव ने कहा यदि बृहस्पति जी आपका यज्ञ कराएंगे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने पर आप देवता बन जाएंगे और देवता बन जाने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, संदेह नहीं है, दिव्य लोग, प्रजापति लोग, देवताओं के लोग आपको मिलेंगे। समर्थ ने कहा अग्नि, मैं तुम्हें सावधान किए देता हूं, बृहस्पति को मरुत के पास पहुंचाने के लिए फिर कभी मत आना, तुम भी आग हो तो मेरे पास भी क्रोध की आग है, मेरी क्रोधाग्नि तुम्हारी अग्नि से तेज है। समर्थ की बात सुनकर अग्निदेव भस्म होने के भय से पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और तुरंत लौटकर देवताओं के पास चले आए। उन्हें लौटता देख करके इंद्र ने बृहस्पति के सामने ही पूछ लिया, अग्निदेव तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, बृहस्पति जी को राजा मरुत के पास नहीं ले गए, राजा मरुत क्या बोलते हैं, मेरी बात स्वीकार है कि नहीं। अग्नि का महाराज, मरुत आपकी बात स्वीकार नहीं करते, उन्होंने आपको बृहस्पति को प्रणाम तो कहलवाया है लेकिन साथ में अनुरोध किया है कि आप हमारे यज्ञ में बाधा मत डालिए, हमारा यज्ञ संवर्त जी कराएंगे। इंद्र ने कहा एक मौका और देता हूं अग्निदेव, अब की बार या तो मरुत तो मान जाए नहीं तो मैं उनके ऊपर अपना वज्र का प्रहार करूंगा, जाओ एक बार और कह दो। अग्नि ने जाकर कहा देवराज, वे गंधर्वों के राजा वहां मौजूद हैं, उन्हीं को दूत बनाकर भेजिए, मुझे तो वहां जाने से डर लगता है क्योंकि संवर्त ने मुझे कह दिया था अग्नि यदि दोबारा तुम यहां आ गए
तो मैं अपने क्रोध की अग्नि से तुमको भस्म कर डालूंगा। अग्निदेव, तुम्हारी बात पर हमको विश्वास ही नहीं होता, तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुमको तो कोई भस्म कर नहीं सकता। तुम्हारे स्पर्श से ही लोग डरते हैं, आग से सब डरते हैं। मुझे विश्वास नहीं है। अग्नि ने कहा, महाराज जरा शरियाती के यज्ञ का तो स्मरण कीजिए, जहां चवन यज्ञ, चवन मुनि यज्ञ कराने वाले थे और आप क्रोध में भरकर वहां गए थे, तो अश्विनी कुमारों के साथ आपने सोमरस का पान किया था, उस समय आप कैसी भयंकर स्थिति में फंस गए थे, आपके हाथ को यहां उन्होंने लॉक कर दिया था। इसलिए महाराज, क्षात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ होता है। कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं, किंतु राजा मरुत्थ के पास कोई विशेष बल नहीं देखता हूं मैं। राजा मरुत्थ के बल को कोई महत्व नहीं देता, उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गंधर्वराज, धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ। धृतराष्ट्र ये दूसरा है, गंधर्वराज, और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत्थ से कहो, राजन आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाएंगे, नहीं तो आप इंद्रराज, इंद्र देवराज इंद्र के वज्र के द्वारा आपका सिर उड़ा दिया जाएगा। इंद्र की आज्ञा पाकर के धृतराष्ट्र राजा मरुत्थ के पास गए। ये धृतराष्ट्र वो नहीं है, गंधर्वराज दूसरा है। उनसे इंद्र का संदेश पाकर के कहने लगे, महाराज मैं धृतराष्ट्र नाम का गंधर्व आपसे इंद्र का संदेश सुनाने आया हूं। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाओ, यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा वज्र आपका सिर उड़ा देगा। मरुत्थ ने कहा, गंधर्वराज आप इंद्र, विश्वदेव, वसु, अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को भली भांति जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है, अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएंगे, बृहस्पति जी देवताओं का यज्ञ कराओ, वे वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ कराए, इसके विरुद्ध न तो आपकी बात मानूंगा न इंद्र की बात मानूंगा। गंधर्वराज ने कहा, महाराज इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, इतनी की भयंकर सिंहनाद की सुनिए, सिंहनाद की आवाज, कैसा सिंहनाद कर रहे हैं, बस ये आप पर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं, आप अपनी रक्षा का कोई उपाय सोच लीजिए। धृतराष्ट्र के कहने पर राजा मरुत्थ ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर संवर्त मुनि से कहा, ब्राह्मण वर मैं आपकी शरण में हूं और आपके द्वारा रक्षा चाहता हूं, आप मुझे अभयदान दें। ये कौन है वज्रधारी इंद्र, दसों दिशाओं को प्रकट करते हुए यहां चले आ रहे हैं, इनके भयंकर सिंहनाद से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे। संवर्तने का, राजन इंद्र से भय मत करो, मैं स्तंभिनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर आने वाले इस संकट को रोक लेता हूं, विश्वास रखो, इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो, मैं अभी तुम्हें स्तंभित करता हूं। संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने क्षीण कर दिए। मरुत्थ ने कहा, ब्राह्मण वर आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है ना? हां दे रही है, तो फिर इसमें रह रहकर मेरा हृदय कांपता है, आज मन को तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, क्या करूं? राजन तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल कर देता हूं, और कोई मेरे से वरदान मांगा तो वरदान मांगू। मरुत्थ ने कहा, महाराज यदि वरदान देने की बात है तो साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रतापूर्वक पधारे और
अपना यज्ञ का भाग ग्रहण करें। साथ ही अन्य देवता भी आए और यज्ञ का भार ग्रहण करें। तदनंतर संवर्त ने अपने अपने बल से समस्त देवताओं का आह्वान किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में बैठकर अच्छे घोड़े जोतकर देवताओं के साथ लेकर पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में पहुंच गए। देववृंद के साथ इंद्र को युद्ध करते देख मरुत ने अपने राजपुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर अगवानी की। बड़ी प्रसन्नता से उनका पूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज इंद्र का स्वागत, आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका सेवन कीजिए। मरुत ने कहा, सुरेंद्र आपको मेरा प्रणाम, आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आपके पधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। संवर जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। इंद्र ने कहा, आपके गुरु संवर जी को मैं जानता हूं, बृहस्पति के छोटे भाई हैं, तपस्या के धनी हैं, इनका तेज दुस्सा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया, मैं आप लोगों से विशेष नहीं रखता हूं। संवर्त ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो यज्ञ में जो भी कोई बाधा है वो सबको मैं खत्म करता हूं। संवर्त के यूं कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग विचित्र विचित्र ढंग से जाकर ऐसे बढ़िया बनकर के वहां जाओ तो देव सब लोग तुम्हारा सम्मान करें। देवताओं को बोला, सब लोग तुम्हारे पर विश्वास करें कि ठीक है। फिर भी बड़े सुंदर बनकर के वहां गए। इंद्र ने वहां पहुंचकर राजा मरुत की प्रशंसा कर वेश बदल करके गए, बड़ी प्रशंसा की। महाराज मरुत के विषय में हम क्या कह सकते हैं, महाराज यहां मेरे साथ मेरे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए, ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ अविश्य ग्रहण करेंगे। तदनंतर द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र का पाठ पढ़ते हुए देवताओं को लेकर अग्नि में अविश्य का हवन किया। उसके बाद इंद्र, सोमपान के अधिकारी, अन्य देवता उत्तम सोमपान के अधिकारी लोग बैठ गए, उनको तृप्ति कराई, सब लोग आराम से बैठ गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ पग पग पर सुवर्ण की ढेरी लगवाई, ब्राह्मणों का बहुत सा धन दिया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान किसी की शोभा नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी के फिर ब्राह्मणों के लिए ले जाने वाले धन को मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया और फिर अपने गुरु संवर्त की आज्ञा से राजधानी को लौट आए। युधिष्ठिर, ऐसे मरुत का धन तुम्हारे लिए आज्ञा मांगना चाहता है, तुम्हारे भाई उसको ले आवे ना। वैशंपाई जी ने कहा कि सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उस धन के द्वारा यज्ञ करने का उन्होंने विचार कर लिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।